नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं। आज है 28th of May और हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कोट को देखते हैं। तो कोट है हमारा, रिस्पेक्ट योर हेटर्स, दे आर द वंस हु थिंक यू आर बेटर देन देम। तो इसको समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर आप देखोगे तो हेटर्स भरे पड़े हैं और आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस वही है, यहाँ पे ज़रूरत यही बोली गई है कि हेटर्स का काम है हेट करना और आपका काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है आगे बढ़ना। तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बस मैक्सिमम यही कर सकते हैं। और इग्नोर करेंगे तो खुश होकर इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो हेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। तो बस इतने चीज़ों को ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिशन है, अपने से कॉम्पिटिशन रखिए, दूसरों से कॉम्पिटिशन मत रखिए। अपने आप को इम्प्रूव करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो बस इतने से संदेश के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो कल शाम को जब मैं चाय पी रहा था और मैं अकेले चाय पी रहा था पहली बार, तो म्यू का कॉल आया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाय पी रहा हूँ और अकेले पी रहा हूँ तो म्यू का कॉल तो आना ही है। वीडियो कॉल किया उसने और फिर उसने बताया कि फाइनली कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है व्यूज़ में और लोग देख रहे हैं। तो वो बोली कि अब हो सकता है कि एक दो दिन में वो वापस आ जाएगी, क्योंकि आप लोग उसको मिस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी बोला है। तो अब मैंने भी बोला है कि यार आ जाओ यार, मतलब तुम्हारे जोक्स बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अब एक दो दिन में वो आ जाए। और देख रहे हैं ना आप, मतलब वीडियो कॉल करती है वो, बहुत इंटेलिजेंट है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एडिटोरियल का डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि जो भी मैंने स्टोरीज वगैरह सुनाना है वो सुना लिया, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला एडिटोरियल है वह बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि यह ऑल ओवर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, यह मेनली फोकस किया गया है जो तमिलनाडु का एजुकेशन सिस्टम है और वहां पे किस तरह से एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर में यहां पे बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस करने की ज़रूरत है और कौन सी नए स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो यहां पे जो अगर आप देख रहे हैं राइटर हैं कृष्ण कुमार नाम है, और यह रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब एनसीईआरटी के डायरेक्टर रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी रह चुके हैं, और उनके द्वारा अगर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड लिखा जा रहा है तो यह इंपॉर्टेंट ही होगा। तो इस कारण से हमें कुछ एक पॉइंट यहां पे अच्छे मिल सकते हैं, और आपको इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के जो एनालिसिस है उसको गौर से सुनिएगा। तो अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि पर्टिकुलरली यह जो कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो यहां हम देख सकते हैं कि सबसे पहले टाइटल क्या है, द मूवमेंट टू ट्रस्ट द टीचर। और यहां पे बताया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस क्राइसिस जो है यह एक हमें बहुत ही अपॉर्चून टाइम और राइट टाइम देता है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो एनर्जी है वो हम लोग एक तरह से डिवोट कर सकते हैं या फिर एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हम एग्जामिनेशंस में रिफॉर्म ला सकें। तो यहां पे इसी चीज के बारे में एक तरह से डिस्कशन किया गया है। अब स्टार्ट इन्होंने वही बताया है कि किस तरह से पैंडेमिक जो एक तरह से सिनेरियो क्रिएट किया है, इसके कारण क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। हम लोगों ने क्राइसिस को तो फेस किया ही है, पर हमारे पास आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसको हम यूज करके बहुत सारे चेंजेस को एक तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे इन्होंने पॉइंट उठाया है किस तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वह ग्रेड 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस को जून 15 से कंडक्ट कराएंगे। अब यहां पे इन्होंने वही है कि बताया है कि किस तरह से, अब चूंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे तो वहां पे मैक्सिमम लोग होंगे, काफी सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा होने वाले हैं। तो यहां बताया गया है कि उन्होंने कौन से स्टेप्स लिए हैं COVID-19 क्राइसिस के कारण। तो पहली चीज, स्पार्स सीटिंग उन्होंने की है, साथ के साथ मेडिकल रिक्वायरमेंट भी बताया है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है उसको फॉलो करने का किस तरह से, तो स्पार्स सीटिंग उसमें आ गया पहली चीज। फिर यहां पे बताया है कि एक रूम में सिर्फ 10 लोग ही बैठेंगे, तो यहां पे फिर से फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, जिससे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक तरह से इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। तो ये हो गई पॉइंट के जो पर्टिकुलरली न्यूज है जिसके ऊपर ये पूरा जो आर्टिकल है ये बेस्ड है। अब यहां पे इन्होंने आगे बढ़ के बताया है कि किस तरह से अगर आप देखिएगा तो एग्जामिनेशन, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, तो उसको किस तरह से मतलब सोसाइटी ट्रीट करती आई है हमेशा से। मतलब अगर आप देखेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव माना जाता है, और वहां से माना जाता है कि आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टूडेंट्स कॉमर्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स साइंस लेते हैं, कुछ अलग डिपार्टमेंट में एक तरह से अपना आकर्षण दिखाते हैं। तो यहां हम समझ सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है वो इसी पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज 10th एग्जामिनेशन। तो यही चीज यहां पर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, और यह बहुत ही पुराना ट्रेडिशन एक तरह से चलता आ रहा है। साथ में यहां पर इन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन का एक तरह से क्राइटेरिया है और जो एग्जामिनेशन होने का जो एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमेशा से सेम ही रहा है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, एक दूसरे से बात नहीं करनी होती। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं यहां पे।
और अगर आप देखिएगा यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट्स डिस्कस किया है तो उसमें इन्होंने बोला है कि ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है ऐसा नहीं है कि ये चिल्ड्रेन को अच्छा करने का के लिए इनकरेज करता है। रादर अगर आप जिस भी चिल्ड्रेन से पूछिएगा, जिस भी बच्चे से पूछिएगा, तो उनके दिमाग में एक निगेटिव पॉइंट ही बना रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन से। फॉर एग्जाम्पल वो मान के चलते हैं कि हमारे अंदर हो सकता है कि चांसेस है कि हम फेल कर जाएं, या फिर हो सकता है कि मतलब अगर हम लोगों ने अच्छा नहीं किया तो होगा क्या कि हमारे जो भी हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है जॉय और खुशी को, तो उससे भी इश्यूज आ सकते हैं। और उसके बाद आता है कंपैरिजन, दो स्टूडेंट्स के बीच में कंपैरिजन, जो इधर या तो स्टूडेंट्स खुद करते हैं या फिर उनके पेरेंट्स करते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो बेसिकली जो एजुकेशन सिस्टम हमारा हो गया है वह तो रोट लर्निंग का ही है। अगर स्कूल लेवल पर आप देखा जाए तो मैक्सिमम रोट लर्निंग ही होती है, क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशन मतलब टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड एक आंसर बता देते हैं स्टूडेंट्स को, और वो एग्जामिनेशन में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी उन्होंने पढ़ाया है वही पर्टिकुलर आंसर वो एक तरह से रिप्रोड्यूस कर दें फाइनल एग्जामिनेशन में। तो इसी को यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रख के बताया है कि किस तरह से हमारा जो एजुकेशन है वो मतलब रोट मेमोरी पे ज्यादा बेस्ड हो गया है रादर देन मतलब थिंकिंग बेस्ड होने की जगह पे। अब इसके बाद ये वापस से तमिलनाडु वाले जो सिचुएशन है उस पर आ जाते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं वो कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अभी कंडक्ट कराने की। और यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता था तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास कि वो रादर देन इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को अभी कंडक्ट कराने की जगह पे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको प्रमोट कर देती आने वाले क्लास में, मतलब जैसे 11th क्लास में। तो और होता क्या कि उसके बाद वो क्या करते कि आगे चल के फिर उनसे जिन लोगों को भी एग्जामिनेशन देना होता बोर्ड का ऑप्शनल बना देते, तो वो बोर्ड का एग्जामिनेशन दे लेते, और जिनको नहीं देना होता वो कंटिन्यू करते अपने 11th वाले जो आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे होता क्या कि यह जो पर्टिकुलर एक तरह से स्टेप लिया जा रहा है और यह जो पर्टिकुलर एक प्रोसेस कैरी आउट किया जा रहा है, तो यह हम हमारा बच जाता, हम लोगों को स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे बच्चे चूंकि इन्वॉल्व हैं, तो इस कारण से भी इन्होंने बोला है कि टीचर और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप ऑलरेडी बना हुआ है तो इसको भी ध्यान में रखने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसके आगे इन्होंने फिर नंबर गेम के बारे में बताया है कि किस तरह से जो भी अब ऑर्गेनाइजेशन देखिएगा, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से डिपेक्ट करती है परसेंटेजेस को, इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, या फिर गर्ल्स हैव आउटशाइंड बॉयज, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो डिपेक्ट करते हैं दिखाने के लिए। पर अगर आप लार्जर केस देखोगे तो बहुत ही माइन्यूट वो उसमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि अगर किसी एरिया में 98.48% अगर वहाँ का पास परसेंटेज है और दूसरे एरिया में 98.45% है, तो उन दोनों अगर एरियाज को आप कंपेयर करेंगे तो वहां पे ऐसा नहीं कह सकते कि एक एरिया पीछे है, दोनों एरियाज ही एकदम इक्वल फुटिंग पे हैं। और वहां के टीचर या वहां के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि दूसरे एरिया से कम आप उनको आंक नहीं सकते। तो अब आता है हमारे पास कि हमें क्या क्या चीजें बदलने की जरूरत है। तो इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट यहां पे बोला है कि सम डिजास्टर टीच लेसन, द एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस कैन क्रिएट द डिजायर फॉर रिफॉर्म। तो यह जो पर्टिकुलर लाइन है आप इसको चाहो तो लिख सकते हो और कहीं पर इस्तेमाल किया जा सकता है मेंस के आंसर राइटिंग में। अब आगे इन्होंने बताया है कि किस तरह से हम चेंजेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे यह जो एक प्रॉब्लम आ गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको ठीक किया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज इन्होंने बोला है कि बोर्ड जो एग्जामिनेशन है इसका नेम चेंज करने की काफी ज्यादा जरूरत है, और इसका नेम बताया है इन्होंने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कर दिया जाए। तो इससे वही है कि जो पर्सन अगर इसी एक ही पर्टिकुलर स्कूल में अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको यह पर्टिकुलर एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तभी इश्यू करना चाहिए तो जो लोग एक पर्टिकुलर स्कूल से दूसरे स्कूल जाने की बात कर रहे हो। और आगे इन्होंने बताया है कि एक स्टेप यह हो सकता है आगे का स्टेप कि हमें जो भी टीचर्स हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, और साथ के साथ उनके जो नर्चर का तरीका है उनके ऊपर भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, जिससे हम लोग जो स्कूल बेस्ड सिस्टम का इवैल्यूएशन है उसकी ग्रोथ को हम लोग देख सकें और उसका फिर आगे क्या क्या एक तरह से प्रभाव पड़ने वाला है उसको हम लोग देख सकें। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो फिर से माइग्रेंट क्राइसिस के ऊपर ही है, और यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं तो जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है एडिटोरियल है इसका टाइटल देख लेते हैं। तो टाइटल है द इको ऑफ माइग्रेंट फुटफॉल्स एंड द साइलेंस ऑन पॉलिसी। तो कहने का मतलब है कि हम देख सकते हैं कि माइग्रेंट क्राइसिस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और लोगों को पैदल चल के जाना पड़ रहा है, बहुत तकलीफें वो झेल रहे हैं, और ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया है कि अगर आप देखिएगा कि बहुत सारे जो भले हम लोगों ने ट्रांसेस देखे हैं
और बहुत सारे स्टिमुलस पैकेजेस में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, पर वहां पे इन्होंने इनका यह कहना है कि हमें अब फिर भी हमें दिख रहा है कि पॉलिसीज जो है वो इतनी ज्यादा मुखर होकर नहीं आई है, वो फिर भी साइलेंट ही है। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया कि चार चीजें जो एक तरह से जरूरत है अभी कंट्री को, जिससे यह पर्टिकुलर पैंडेमिक क्राइसिस से वो बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे वो एंड में उन्होंने बताया, तो एंड में हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग स्टार्टिंग देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया है। तो इन्होंने माइग्रेंट क्राइसिस के बारे में ही बताया है, और यहाँ पे बताया है कि अगर आप इनिशियली माइग्रेशन वर्ड को सुनते हैं तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान, मतलब कोई भी स्टेट से उठ के किसी बाहर की कंट्री में जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल केरला का कोई इंसान वेस्ट एशिया जा रहा हो या यूनाइटेड स्टेट जा रहा हो या वेस्ट की तरफ जा रहा हो, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन सिर्फ आउट ऑफ द कंट्री होता है, इन स्टेट माइग्रेशन भी होता है। जैसे एक स्टेट के अंदर में दो डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, या फिर मतलब इंटर स्टेट हो गया और इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है, तो इंटर स्टेट विद इन द स्टेट हो गया और इंट्रा स्टेट आउटसाइड द स्टेट हो गया। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है, और इसके अलावा सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया यहाँ पे, कि इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन दी स्टेट, एंड इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड दी स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज बताई है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो पॉइंट उठाया है वो बोला है कि अगर आप देखिएगा तो माइग्रेंट का जो नंबर है वो कितना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो माइग्रेंट का नंबर पहले इन्होंने बताया गया, एस्टिमेट किया गया था 300 मिलियन, जो कि काफी ज्यादा एक तरह से इंटरनल माइग्रेशन का काफी ज्यादा नंबर देख सकते हैं, और ये ऑफिशियल फिगर से अगर देखिएगा तो इसे 3 times ज्यादा है, तो काफी ज्यादा हो सकता है ऑफिशियल फिगर में कुछ इश्यू हो। तो इस केस में अब यहां पे बताया गया है कि आखिर माइग्रेशन होने का रीजन क्या हो सकता है। तो माइग्रेशन होता है काम के लिए, या फिर लाइवलीहुड कमाने के लिए, या फिर शादी होती है किसी की तो उस केस में, या फिर कोई रिफ्यूज सीक करता है उस केस में माइग्रेशन होता है। कुछ लोग बिजनेस के लिए माइग्रेट करते हैं, और कुछ लोग पीस ऑफ माइंड के लिए भी माइग्रेट करते हैं, जैसे हिमालय जाते हैं लोग। तो ये एक तरह से कंसिडर कर सकते हैं आप इसको यहां पे, कि माइग्रेशन के बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। और यहां पे फिर इन्होंने अगर देखिएगा तो बताया है कि अगर 2011 का सेंसस है, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखिएगा तो इसमें बताया गया है कि 100 मिलियन और भी ऐड हो गए, मतलब 300 मिलियन था इसमें भी 100 मिलियन और ऐड होकर 400 मिलियन हो गए। और यहां पे बोला जा रहा है कि थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, दैट इज 1 in every 3 इंडियंस आर माइग्रेंट्स, मतलब 3 में 1 इंडियन माइग्रेंट ही है। अब यहां पे आगे इन्होंने कहा है कि अगर आप देखिएगा कि माइग्रेंट्स कहां के हैं, कौन से स्टेट्स के हैं, तो नॉर्मली पुअर स्टेट्स के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सारे स्टेट्स के हैं। और आगे यहां पे बताया गया है कि ये जो माइग्रेंट्स जो जाते हैं ये किस तरह के होते हैं, तो ये अनस्किल्ड होते हैं, या सेमी स्किल्ड होते हैं, या फिर स्किल्ड लेबरर्स होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं ऐसा नहीं है, पर मैक्सिमम अगर आप क्वांटिटी देखिएगा, मैक्सिमम नंबर देखिएगा, तो अनस्किल्ड लेबर ही मैक्सिमम होते हैं। अब आगे यहां पे इन्होंने बताया है कि जो एक प्रेजेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट एक है जिनका नाम है सुप्रियो दे, तो इन्होंने बताया है कि इंटरनल माइग्रेंट्स जो है इंडिया में, इसको बताया है 450 मिलियन एज पर द मोस्ट रिसेंट 2011 सेंसस। अब यहां पे इन्होंने डेटा अलग बताया, यहां पे डेटा अलग बताया, पर चूंकि ये इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, वो भी वर्ल्ड बैंक है, तो हम इस पर्टिकुलर डेटा को मान सकते हैं। अब यहां पे बताया गया है कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 45% ओवर 309 मिलियन रिकॉर्डेड इन 2001। तो 2001 के कंपैरिजन में जो दिस टाइम पे आप मान सकते हैं कि 300 मिलियन था, ये बढ़ के 450 मिलियन हो गया। तो आप एक तरह से कर सकते हैं कि 50% का इंक्रीज हो गया, एक मोटा मोटा फिगर आप रख सकते हैं ध्यान में। अब आगे यहां पे इन्होंने वही चीज बताया है कि यह जो एक तरह से माइग्रेंट का नंबर का इंक्रीज है, यह हमारे लिए मतलब चिंता का विषय हो सकता है। और अगर आप देखिएगा तो यह जो नंबर है हमारा 450 मिलियन का, ये डबल है पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पॉपुलेशन का डबल है, हमारे माइग्रेंट्स का ही नंबर। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो यह यूरोप के पॉपुलेशन का आधा है, और यूएस के पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि कितना लार्ज नंबर है माइग्रेंट्स का, और साथ के साथ हमें जरूरत क्या होती है कि ऑब्वियसली अब इन यह जो है इस क्राइसिस, पैंडेमिक क्राइसिस के कारण ही हम लोगों ने अपना जो एक अटेंशन है वो माइग्रेंट्स की तरफ एक तरह से मुखर किया है और बढ़ाया है। अब यहां पे आगे अगर देखिएगा तो इन्होंने एक पॉइंट उठाया है यूज ऑफ मिलिट्री, क्योंकि आप यहां पे इस पर्टिकुलर यह जो आपका एक पैराग्राफ है यहां से, तो इसमें उन्होंने वही चीज एक तरह से बताई है कि किस तरह से माइग्रेंट्स ने बहुत ज्यादा तकलीफ फेस किया है, उनको पैदल जाना पड़ रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा, उनको मतलब भूखे पेट चलना पड़ रहा है, आराम करना पड़ रहा है, घर नहीं है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई है। तो उसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो ये आगे एक तरह से रिपीट नहीं करेंगे। आगे यहां पे बताया है कि यूज ऑफ मिलिट्री के ऊपर में इन्होंने कहा है कि किस तरह से बहुत सारे जो एक तरह वो हैं, बहुत सारे चीफ हैं, नेवी चीफ हैं, और बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने बोला है कि आर्म्ड फोर्सेस को यूज किया जा सकता है क्राइसिस के सिचुएशन में, क्योंकि उनके अंदर अगर आप देखिएगा तो डिसिप्लिन है, और उनके पास ये भी है कि वो मतलब हमेशा सर्व करने के लिए तैयार रहते हैं, तो इस कारण से। पर वही है कि आप अगर हर एक चीज में आर्मी को इन्वॉल्व करेंगे तो इसको एज अ नीड और रिस्पॉन्स ही माना जाएगा, और यह एक तरह से इसको मतलब ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं मान सकते हैं। अब आगे यहां पे इन्होंने बताया है कि अगर आप देखिएगा कि इंटरनल माइग्रेशन को, जिसको हम लोग बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन अ कंट्री, तो यह बेसिकली रिजल्ट्स इन अ मोर इफिशियंट एलोकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स,
रिसोर्सेज टू द सेक्टर, और इसके अलावा बताया गया है कि सेक्टर एंड रीजन वेयर दे आर बीन यूटिलाइज। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई इंसान अगर अपने गांव में बैठा है तो वहां पे वो जो भी उसके पास पोटेंशियल है वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, वो ह्यूमन रिसोर्स की तरह अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा। पर जब वो माइग्रेट करता है तो उस केस में क्या होता है, जहां भी वो जाता है तो उसका जो भी ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज है या स्किल्स है वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो काम कर रहा होता है या फिर जहां पे वो जिस रीजन में काम कर रहा होता है तो वहां पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसका हो जाता है। अब आगे इन्होंने सॉल्यूशन बताया है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो बताया है उन्होंने बोला है कि हमें जरूरत है कि हम डिसेंट्रलाइज करें पॉलिटिकल पावर को और हम जो हैं स्टेट्स को और भी ज्यादा पावर दें जिससे वो ग्रेट डिसीजन मेकिंग तरह से कैपेसिटी को डेवलप कर सके। तो यहाँ पे वही है कि स्टेट्स के ऊपर में छोड़ने की बात कही गई है। अब यहाँ पे आगे उन्होंने बताया है कि जो चार चीजें जिसको एक तरह से जरूरत है अभी करने की जिससे हम इस पर्टिकुलर डिस्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं और इस पैंडेमिक क्राइसिस को एक तरह से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहली चीज जो बताई है कि सस्टेनेबल इकोनॉमीज के बारे में बताया है कि अब हमें फोकस जो है वो महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट पे करने की जरूरत है रादर देन नीति आयोग या आरबीआई के द्वारा जो बताया गया है। और वह कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट है कि इंडिया जो है अभी भी गांव में बसता है या स्मॉल टाउन्स में बसता है और सिटीज में नहीं बसता, तो हमारा फोकस जो है वो गांव और स्मॉल टाउन्स के ऊपर में ज्यादा होना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि यहां पे जो बात कही गई है रीबिल्ड करने की रूरल इकोनॉमी को, तो इसको बिल्ड करने की जरूरत है ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग द हाउसहोल्ड्स। तो हाउसहोल्ड्स मतलब कहने का कि उसी रूरल एरिया में जो भी घर हैं, घर का बनाने की बात नहीं हो रही यहां पे, घर इन द सेंस की मतलब वहां के लोगों को और ज्यादा स्किल्ड बनाने की, वहां के ज्यादा लोगों को और ज्यादा कैपेबल बनाने की थ्रू एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे वही चीज बताई गई है। और यहां बोला जा रहा है कि स्वच्छ भारत नेटवर्क को एक तरह से यूज किया जा सकता है जिससे जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको एक तरह से और भी ज्यादा फोकस दिया जा सके और भी ज्यादा पुश दिया जा सके। अब और उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रूरल मैन्युफैक्चरिंग पे भी काफी ज्यादा फोकस की बात कही गई है। तीसरा पॉइंट यहां पे इन्होंने बताया है कि फॉर्मलाइज करने की जरूरत है वर्क फ्रॉम होम को और एक माइग्रेशन प्लान को भी डिजाइन करने की जरूरत है जिससे होगा कि जो भी पीपल हैं वो एक तरह से काम कर रहे होंगे तो वो आसपास के स्टेट में ही काम करें, आसपास के क्लस्टर में ही काम करें और साथ के साथ वर्क फ्रॉम होम रहेगा तो वो भी एक एडेड ऑन एडवांटेज है। और चौथा पॉइंट यहां पे इन्होंने बताया है कि और भी फंडिंग देने की जरूरत है करंट प्लानिंग में जिससे जो भी बेनिफिट्स हैं वो कॉर्पोरेट्स को मतलब जो भी बेनिफिट्स हैं कॉर्पोरेट्स को स्टेट्स को दिया जा सके, पंचायत को दिया जा सके और म्यूनसिपैलिटीज को दिया जा सके। और यहां पे वही बात बोल रहे हैं एंड में कि 20% ऑफ नेशनल बजट एक तरह से एलोकेट करने की जरूरत है और इसको तुरंत से रिलीज करने की जरूरत है स्टेट्स के पास। तो ये चारों पॉइंट हम लोगों ने एक तरह से डिटेल में देख लिया और मेरे ख्याल से आपको थोड़े बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से। अब हम लोग नेक्स्ट एडिटोरियल पे शिफ्ट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है छोटू एडिटोरियल, इसमें इन्होंने वही बताया है लोकस्ट जो हमारा अटैक हुआ है तो उसके ऊपर में ही यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लोकस्ट इन वेस्टर्न पास एड अ न्यू डायमेंशन टू अदर डिजास्टर्स फेसिंग इंडिया। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया है कि अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट सिनेरियो में हम ऑलरेडी पूरा इंडिया जो है वो फेस कर रहा है COVID-19 पैंडेमिक को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर ईस्टर्न एरियाज में देखोगे तो अभी ऑलरेडी साइक्लोन अम्फान आया आ चुका है जिस कारण से जो ईस्टर्न साइड है वो काफी ज्यादा डैमेज हुआ, जो ईस्टर्न इंडिया दैट इज उड़ीसा एंड बंगाल। अब इसके अलावा क्या हुआ कि अगर आप वेस्टर्न एरिया देखोगे तो वेस्टर्न एरिया में लोकस्ट अटैक हो गया। तो एक तरह से हमारे तरफ अगर देखोगे तो तीनों साइड से अटैक हो गया, तो मतलब पूरा इंडिया तो झेल ही रहा है, उसके अलावा वेस्ट भी हो गया और अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न इंडिया हो गया। और यहां पे चूंकि यहां पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो एक मैं एडेड और भी आपको चीज बता सकता हूं। तो जैसे हमारा नेपाल के साथ टेंशन चल रहा है तो वो भी एक प्रॉब्लम है और चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रहा है बॉर्डर का वो भी एक इशू है। तो आप देखोगे तो चारों तरफ से इंडिया अभी घिरा पड़ा है प्रॉब्लम से और वही है कि अब जरूरत है कि एक एक प्रॉब्लम को हम लोग टैकल करें, एक एक करके करें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएंगे। अब यहां पे इन्होंने वही चीज बताई है कि राजस्थान, गुजरात और बहुत सारे मतलब मध्य प्रदेश के अभी पार्ट में देखिएगा तो यह एक तरह से जो लोकस्ट स्टॉर्म है यह एक एग्रेरियन डिस्ट्रेस की तरह सामने आया है और यह जो डेजर्ट लोकस्ट है यह स्पीसीज इसको माना ही जाता है कि यह एग्रीकल्चर के लिए खतरनाक माना है। अब आगे यहां पे बताया है कि मॉनिटरिंग और टैकलिंग जो है इस पर्टिकुलर आउटब्रेक का यह जो कि इंसेक्ट है इसका काम कौन करने वाला है, यह किसका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन और ये कहां है तो इन जोधपुर है। अब लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन हम मैंने ऑलरेडी स्कीम्स के आपको चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि वो लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या क्या होता है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उनको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां पे इन्होंने बताया है कि बॉल भी बहुत सारे अपसर्जेस ऑलरेडी हो चुके हैं 1964 से 1997 तक, पर अभी प्रेजेंट वाला जो एक तरह से आप देख रहे हो सिचुएशन ये काफी ज्यादा वर्स्ट एक तरह से माना जा रहा है इस प्रेजेंट डिकेड में। अब यहां पे इन्होंने ये जो बता दिया प्रॉब्लम्स एक तरह से, अब आगे यहां पे इन्होंने बताया है कि अगर आप ह्यूमैनिटी का
देखिएगा तो ह्यूमैनिटी के केस में प्लेग और पेस्टिलेंस, ठीक है, प्लेग तो हो गया बीमारी और पेस्टिलेंस हो गया जिस तरह से ये इंसेक्ट अटैक्स हैं, इसको एलिमिनेट ही नहीं किया जा सकता, ये हमेशा से एग्जिस्ट करेगा ही। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रीजन बताया कि आखिर ये लोकस्ट जो है अटैक किया है इन्होंने क्यों किया है। तो लोकस्ट के अटैक का यहाँ पे बताया है कि जो ब्रीडिंग है लोकस्ट की, यह एक तरह से थ्रेटन करती है फार्मिंग को, और यह इसके कारण होता क्या है या किसका कारण है, मतलब किसके कारण हुआ है यह ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग हुआ है बिकॉज ऑफ द वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन, और ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारे मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशियन के कारण ही ब्रीडिंग बढ़ी है लोकस्ट की। अब आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे बताया गया था कि एल नीनो होने वाला है, और एल नीनो से हमें पता है कि मॉनसून डायरेक्ट अफेक्ट हो जाता है, कहा जाता है कि मॉनसून कम हो जाएगा, पर अगर आप लास्ट ईयर का देखोगे तो हुआ क्या कि रादर देन कम होने की जगह पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव इंडियन डायपोल बन गया। अब इंडियन ओशन डायपोल के ऊपर में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन भी बन चुका है, तो आप जरूर इसको ध्यान में रखें। अब पॉजिटिव इंडियन डायपोल हमेशा फेवर करता है कि ज्यादा बारिश हो जाती है, मतलब इंडिया में, तो ये एक अच्छी चीज हो गई कि बारिश हुई, और ऑब्वियसली मॉनसून हमें हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों के पास ये बारिश हो गई। पर इसका जो है एक और पंगा यह हो गया कि अगर आप देखिएगा तो मॉइस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स में यह प्रेसिपिटी, मतलब जो बारिश का हुआ तो यह प्रेसिपिटेशन के कारण लोकस्ट ब्रीडिंग और भी ज्यादा हुई, और फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स के कारण यह जो लोकस्ट है यह एक तरह से इंडिया की तरह ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो गए। तो यहां पे आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि कैसे यह जो लोकस्ट का इशू है स्टार्ट कैसे हुआ। अब वही यहाँ पे इन्होंने आगे बताया है कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर आप देखिएगा तो चूंकि लॉकडाउन काफी ज्यादा लगा रहा तो हुआ क्या कि पेस्टिसाइड को स्प्रे नहीं किया जा सका क्योंकि वो हल्ट हो गया, ऑलरेडी लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यह पेस्टिसाइड चूंकि स्प्रे नहीं किया जा सका तो लोकस्ट का जो नंबर है वो भी बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि पेस्टिसाइड स्प्रे होगा तभी तो उनको मारा जा सकेगा ना। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हम इंडिया के अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है एक थोड़ा सा कंफर्ट यहाँ पे ये मिला हुआ है कि यहाँ पे बहुत मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, तो वही है कि उनके पास खाना नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो खा नहीं पाएंगे। और अभी माना जा रहा है कि आने वाले समय में जब मानसून आएगा तो उसमें बोला जा रहा है कि राजस्थान और बाकी एरियाज में काफी ज्यादा अच्छी बारिश होने वाली है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इसके बारे में। और यहाँ पे आगे एंड में यहाँ पे इन्होंने यही चीज बोला है कि जरूरत है हमें कि टेरिटोरियल ब्लेम गेम को ऊपर में मतलब हटाएं, एक दूसरे को टेरिटरी जो भी मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम है उसको हटाएं, और साथ के साथ फोकस करें पॉलिसीज पे जिससे हो क्या कि एक इक्विटेबल और सस्टेनेबल फ्यूचर बने, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही यह पॉइंट कह रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यह जो एक मैंने आपको रीजन बताया कि किस रीजन से लोकस्ट अटैक हुआ है इसको आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट एडिटोरियल पे चलते हैं। अब यह जो छोटू एडिटोरियल है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हांगकांग के ऊपर में भी एक एडिटोरियल रहेगा, तो मैंने बड़ा एडिटोरियल एक्सपेक्ट किया था, बट ठीक है चलिए छोटा एडिटोरियल है तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिकली अगर आप देखिएगा तो चाइना जो है वो इस तरह के एफर्ट्स ले रहा है, इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है जिससे हांगकांग जो है वो मतलब उसके ग्रिप में आ जाए, उसके कंट्रोल में आ जाए, और इसके अलावा वो जो भी उसके टफ लॉज हैं उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए। पर यहाँ पे माना जा रहा है कि यह जो टफ लॉज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है इससे हांगकांग डिटर नहीं होगा, और वहां पे जो डेमोक्रेसी है वो और भी ज्यादा खुलकर सामने आएगी। तो यहां पे अगर आप देखिएगा तो प्रोटेस्ट पहले ही ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हो रहा था जब वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एक बिल था जिसके कारण कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, और बहुत सारे हांगकांग मतलब के लोग जो है वो अरेस्ट भी हुए थे और उन्होंने बहुत दमखम से प्रोटेस्ट भी किया था। पर अगर आप यहां पे देखोगे तो अभी प्रेजेंट वाला प्रोटेस्ट का क्या रीजन है, तो प्रेजेंट वाला प्रोटेस्ट का रीजन यह है कि एक न्यू नेशनल एंथम बिल को एक तरह से लाने की कोशिश की जा रही है, और यह जो नेशनल एंथम बिल आखिर क्यों किया जा रहा है, इसको डिबेट क्यों हो रहा है इसके ऊपर और इसको क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, तो यहां पे बताया गया है कि जो भी पर्सन इस पर्टिकुलर मतलब चाइना के नेशनल एंथम को इंसल्ट करेगा तो उनको पनिश किया जाएगा विद अप टू 3 years इन प्रिजन। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ एक नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए 3 years इन प्रिजन की बात कही जा रही है, और ये वो भी चाइनीज नेशनल एंथम, क्योंकि हांगकांग का अगर आप देखोगे तो हांगकांग भले वो चाइना का एक ऑटोनोमस मतलब रीजन में अकाउंट होता है पर वहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वो हम लोग इतना तो डिफरेंस आप समझ ही सकते हो। तो यह जो पर्टिकुलर स्टेप लिया गया है यह नेशनल पीपल्स कांग्रेस द्वारा लिया गया है जो कि बीजिंग में है, और वही कोशिश कर रही है कि हांगकांग के ऊपर और भी थोड़ा ज्यादा कंट्रोल बनाया जाए। अब आगे अगर आप देखिएगा तो यहां पे देखिएगा अंडर द बेसिक लॉ जो कि हांगकांग में एक तरह से काम कर रहा है सिंस 1997। अब यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बन सकता है कि बेसिक लॉ कौन सी कंट्री में इंप्लीमेंटेड है, तो अगर जिन्होंने पढ़ा होगा बेसिक लॉ के बारे में उनको पता है कि हांगकांग में होगा, ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां पे बताया गया कि जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है हांगकांग का
उसमें यहाँ अगर आप देखिएगा तो यही बेसिक लॉ के कारण ही हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी आता है, जिसके कारण वो इंजॉय करते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर इंक्लूडिंग दैट ऑफ फाइनेंशियल एजुडिकेशन। और इसके अलावा अगर आप देखिएगा तो ये सारी चीजें इनको तो मिल गई। इसके अलावा जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो उसका काम वो बीजिंग करता है। अब यह आप इसको रिलेट कर सकते हो जम्मू एंड कश्मीर वाले सिनेरियो से, ठीक है। अब मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूं कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर भी यही होता था कि कुछ एक जो चीजें होती थी जैसे कम्युनिकेशन हो गया, डिफेंस हो गया और फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो ये सारी चीजें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती थी और बाकी चीजें वहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था जो मतलब पिछले साल के पहले वो करती थी। तो यहां पे आप एक तरह से वो देख सकते हो कि मतलब फंक्शन कैसे कर रहा है, ठीक है। अब मैं यहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फंक्शनिंग एक तरह से बता रहा हूं कि आप रिलेट कैसे कर सकते हो, याद कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहां पे यही चीज उन्होंने बताया है और यही जो एक तरह से बेसिक लॉ है इसी के थ्रू यह एक बेडरॉक बनाता है वन कंट्री एंड टू सिस्टम मॉडल का। तो आपको मेरे ख्याल से ये बेसिक चीजें समझ गई होंगी। अब यहां पे अगर आप देखिएगा तो बेसिकली हो क्या रहा है कि यह जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा, इससे हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी को और ज्यादा एक तरह से हवा मिल रही है और ज्यादा ग्रो कर रहा है हांगकांग के अंदर में। और यहां पे वही चीज है कि जितना ज्यादा वो कोशिश करेंगे मतलब कंट्रोल करने की, तो उतना ही हांगकांग उनके हाथों से बाहर निकलता चला जाएगा। अब छोटू आर्टिकल के बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यह होता है जो कि यहाँ पे टाइटल है एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से फार्मर्स हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और फिर उनके जो भी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, अपने पेट भरने के लिए। तो यह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइटर कौन है, तो राइटर हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैं और इस कारण से आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एडिटोरियल होगा, क्योंकि जो भी इनके एडिटोरियल हम मैंने अभी तक पढ़े हैं तो उसमें काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर इंडिया को देखिएगा सिचुएशन, तो इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है बहुत सारे वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एलाइड प्रोडक्ट्स में, और बहुत सारे अगर आप प्रोडक्ट्स को देखोगे तो एक्सपोर्ट भी करता आया है। और यह पॉसिबल हुआ है क्योंकि फार्मर्स के कारण। फार्मर्स दिन रात मेहनत करते हैं, फिर फार्मर्स यह भी बिना सोच के मेहनत करते हैं कि उनको फाइनली आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि यह किससे रिलेट करता है, तो निष्काम कर्मा से फिलॉसफी से रिलेट करता है, जो कि कृष्णा ने अर्जुन को बताया था कुरुक्षेत्र वॉर में। और यह क्या था, तो कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचने। तो यहां पे इसका मतलब होता है यह कि आपको जो ड्यूटी है आपको करते रहनी चाहिए, फ्रूट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, मतलब अपने अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना कर। तो इसी के बारे में यहां पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि फार्मर्स जो है यह दिन रात यही काम करते हैं, वो उनको यह नहीं सोचते कि उनका फाइनल प्रोड्यूस क्या होने वाला है, पर वो मेहनत करते चले जाते हैं। पर अगर आप देखिएगा तो ये मेहनत के लिए वो तो भले बहुत मतलब पसीना बहाते हैं, पर उनके पास यह उनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो प्राइस अपना जो भी मेहनत का है उसको डिसाइड कर पाए। और यहां पे बेसिकली इन्होंने जो पॉइंट इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में उठाया है वो उठाया है कि किस तरह से एपीएमसी एक्ट का हटाना और इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को हटाना फार्मर्स के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप आगे देखिएगा तो फार्मर्स के पास कभी भी फ्रीडम नहीं रहा है कि वो अपने प्रोड्यूस को अपने नेबरहुड में भी बेच सकें। इसके अलावा जो फार्म इनकम रहा है वो हमेशा मार्केट, मिडलमैन और मनी लेंडर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहा है। अब आगे यहां पे देखिएगा कि फार्मर्स और कंज्यूमर हमेशा सफर करते हैं, रादर मतलब ये जो मिडलमैन है और मार्केट के सफर करने की जगह पे। और यहां आगे आप देख सकते हैं लिखा है कि अगर आप देखिएगा तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट भले बढ़ा दिया गया है इरिगेशन सिस्टम में और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट गारंटी भी दी जा रही है फार्मर्स को और मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को भी एक तरह से अफोर्ड कर रही है गवर्नमेंट की बढ़ाया जाए। पर इन सब चीजों के बाद भी अगर आप देखिएगा तो फार्मर्स के मतलब फार्मर्स के ऊपर एक तरह से बंधन लगा हुआ है कि वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके, कहां सेल कर सकेगा। और यह एक ही रीजन है इसका, तो वो है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, और एक नहीं बोल सकते दो रीजन है, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 और एपीएमसी एक्ट दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इन दो एक्ट्स के कारण ही यह जो एक तरह से बंधन लगा है फार्मर के ऊपर में। तो यहां पे बताया जा रहा है कि अब इसका जो यह जो पर्टिकुलर दोनों लेजिस्लेशन है, दोनों एक्ट्स हैं, यह कब स्टार्ट हुआ, तो यह इन्होंने बताया कि इसका रूट जो है अगर आप देखोगे तो बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, वर्ल्ड वॉर टू और साथ के साथ जो ड्रॉट और फूड शॉर्टेजेस हुए थे 1960s में। तो इन दोनों एक्ट्स को आप इन तीनों चीजों से रिलेट जरूर करना जब भी आप मेंस का आंसर लिखोगे। अब यहां पे इन्होंने वही चीज बताया कि इसी यही चीज के कारण यह जो पर्टिकुलर एक्ट ने वो एक तरह से फार्मर्स के ऊपर में बंधन लगा दिया। अब
यहाँ पे आगे उन्होंने बताया है कि अगर आप रेनाउंड फार्म साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन का भी अगर आप थिंकिंग देखोगे तो इन्होंने हमेशा बोला है कि फार्मर्स के राइट को हमेशा यह बना देना चाहिए कि वो अपने प्रोड्यूस को कहीं भी बेच सके, तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा फायदा मिलेगा और अपना जो प्राइस है वो भी डिसाइड कर पाएंगे। और वही है कि स्टेप्स अब उस डायरेक्शन में लिए भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बताया है कि उन्होंने कि इफिशियंट वैल्यू चेंज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉकिंग फैसिलिटीज या फिर पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए ट्रांसफर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, तो ये सब इंपॉर्टेंट है और इसमें ही अगर आप मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि फार्मर्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री, तो इसको आप क्या कर सकते हो एज अ कोट आप यूज कर सकते हो कि फार्मर्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ फूड सिक्योरिटी ऑफ आर कंट्री, और यहाँ पे नीचे आप वेंकैया नायडू लिख सकते हो क्योंकि वे वाइस प्रेसिडेंट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे इन्होंने इस तरह से डिलीट किया है कि किस तरह से PL 480 प्रोग्राम जो चलता था जिसमें यूएस से हम लोग वीट को मंगवाते थे, तो उस सिनेरियो से बढ़ के अभी हम लोग एक तरह से सरप्लस स्टेट बन गए हैं और आत्मनिर्भर बन चुके हैं ऑलमोस्ट के हम लोग खाना जो है उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो वही है कि इस केस में हो क्या रहा है कि यह जो सिनेरियो आया है यह फार्मर्स के कारण ही आया है, पर फार्मर्स को ही एक तरह से वो डिस्ट्रेस्ड हमेशा सिचुएशन में रहे हैं। आगे यहां पे अगर आप देखिएगा तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ऑलरेडी कंट्री में एग्जिस्ट करती है इसमें अगर आप देखिएगा तो कंज्यूमर के नीड्स को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, फार्मर्स को तो करना ही है साथ के साथ कंज्यूमर को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहां पे बताई गई है। अब आगे इन्होंने जो भी स्टेप्स लिए गए हैं उसी को इन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से जो 20 लाख करोड़ का जो एक तरह से स्टिमुलस दिया गया इसी में यह जो पर्टिकुलर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है इसको हटाने की भी बात कही और यह वेलकम स्टेप की तरह इन्होंने बताया है। और इसके अलावा बोला है कि अराउंड 4 लाख करोड़ जो है सपोर्ट पैकेज दिया जाएगा फार्मिंग और अलाइड इंडस्ट्री को, और इससे होगा क्या तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्हांसमेंट, क्रेडिट सपोर्ट का इन्हांसमेंट, इसके अलावा जो दोनों एक्ट को हटाया गया वो भी एक तरह से बहुत अच्छा फीचर माना जा रहा है स्टिमुलस का। तो ये हो गई बातें यहां तक की। अब आगे यहां पे एंड में उन्होंने एंड के जो पैराग्राफ्स हैं उसमें यहां पे इन्होंने बोला है कि जरूरत है कि जो भी मतलब बायर्स हैं वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करें फार्मर्स के साथ तभी उनको फायदा मिलेगा। अब फार्मर्स के ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली उनके साथ कम्युनिकेट करें, रादर हमें प्रमोट करने की जरूरत है जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको स्कीम्स वाले सेक्शन में बताया हुआ है, तो आपने अगर वो देखा हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो इनका यही कहना है कि अगर कोई भी फार्मर इंडिविजुअली इंटरेक्ट करता है जो भी बायर्स हैं उनके साथ तो उस केस में क्या हो सकता है कि एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस हैं, पर अगर फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाता है तो इससे जो फार्मर्स की बार्गेनिंग पावर है उसमें भी एनहांसमेंट आएगा। इसके अलावा बताया है इन्होंने कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें चेंजेस जो लिए जा रहे हैं, इफेक्टिव लॉ एक तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक एनेबलिंग और एक अच्छा एक स्टेप मान सकते हैं। अब आगे यहां पे इन्होंने वही चीजें डिस्कस की है कि अगर 1977 का सिचुएशन देखिएगा तो उस टाइम पे कंट्री को एक तरह से बोला गया था वन फूड जोन बना गया था, तो इसी तरह से उस टाइम पे जब वन फूड जोन बनाया गया था तो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों बेनिफिट हुए थे, तो उसी तरह की स्टेप को लेने की जरूरत है कि फार्मर्स के लिए वन मार्केट जोन बना दिया जाए। और आगे यहां पे इन्होंने बताया है कि हमें क्या जरूरत है कि अगर आप देखोगे तो फार्मर के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि वह मतलब वर्क फ्रॉम होम ले, उनको हमेशा फील्ड में ही काम करना पड़ता है, तो यहां पे इसलिए जरूरत है कि जो भी फार्मर्स को हमें जो कि हमारे प्राइड ऑफ आर कंट्री है उनको जो भी वो मतलब रिफॉर्म्स डिजर्व करते हैं वो चीजें प्रोवाइड की जाए और ये अर्लीस्ट प्रोवाइड की जाए जिससे जो भी डिस्ट्रेस वाला सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो उस डिस्ट्रेस वाले सिचुएशन से बाहर निकल सके। तो इसके बाद जो एडिटोरियल है यह एडिटोरियल है कि हेल्पिंग सप्लाई चेन्स रिकवर, जो जरूरत है बेसिकली सप्लाई चेन्स को अगर रिकवर करने दिया जाए तभी जाके हमारा जो इकोनॉमी है वो भी आगे बढ़ पाएगा। तो अगर आप इसको एज अ निचोड़ देखोगे तो इसके पहले का जो आर्टिकल था वहां पे हमने देखा, वहां पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि किस तरह से स्टिमुलस पैकेज बहुत अच्छा मूव है। अब यहां पे इन्होंने निगेटिव पॉइंट बताया है, इन्होंने बताया है कि नॉट अ फिस्कल स्टिमुलस बट कटिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिमूविंग प्राइस कंट्रोल्स एंड ओपनिंग अप ट्रेड विल हेल्प। ठीक है, तो हमें बताया है कि अभी जो ये जो फिजिकल स्टिमुलस दिया जा रहा है, एक रिफॉर्म्स वगैरह जो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं इनके हिसाब से, जो राइटर्स हैं इनका हिसाब से ये सही स्टेप नहीं है और इससे ज्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यहां पे वही बताया है और रीजन क्या है, तो इन्होंने बताया है कि अगर आप देखिएगा तो जो भी स्टेप्स लिए गए हैं इससे हो क्या रहा है कि लोगों के हाथ में पैसा जा रहा है डायरेक्टली, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था एक दो दिन पहले आर्टिकल जो आया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह से लिक्विडिटी पुश दिया जा रहा है। तो यही चीज आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट एडिटोरियल्स को रिलेट कर सकते हैं। अब यहां पे वही चीज है कि अगर मनी डाल दिया जाएगा में तो इससे हो गया क्या कि डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगा, और इससे डिमांड फॉर गुड्स बढ़ेगा मतलब डिमांड बढ़ने वाला है, ना कि सप्लाई बढ़ जाएगा गुड्स और सर्विसेज का। तो यही है कि रादर देन हमें डिमांड के ऊपर फोकस करने की जगह हमें सप्लाई साइड पे फोकस करना चाहिए था। अब सप्लाई साइड और डिमांड साइड में कौन से तो एक तरह से इंप्लीमेंटेशन हुए थे ये भी हम लोगों ने पुराने एडिटोरियल में देखा हुआ है। अब यहां पे इन्होंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करके कि मशीन और लेबर को कंबाइन करना होगा एक तरह से अच्छे तरीके से हर एक स्टेप में, जिससे जो प्रोड्यूस है गुड्स का वो और भी ज्यादा हो और
कोई दिक्कत ना आए हमें, मतलब जितना इनपुट दें उसके हिसाब से आउटपुट भी हमारे आए और फेवरेबल आउटपुट आए। अब यहाँ पे आगे इन्होंने बताया कि हमारा जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट क्यों हुआ है। तो इन्होंने एक पहला रीज़न यही बताया है कि ऑब्वियसली जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके पास उतने पैसे नहीं हैं जिससे वो मतलब जो भी अपनी चीज़ें हैं वो चला पाएं। दूसरा रीज़न यहाँ पे उन्होंने बताया है कि रॉ मटेरियल्स नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि किस तरह से लॉकडाउन के कारण जो भी मतलब प्रोडक्शन होती थी वो बंद हो चुकी है। तो हमें पता है कि एक इंडस्ट्री जो है वो दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होती है, तो इस कारण से रॉ मटेरियल भी नहीं है। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की बात कही गई है कि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह से सफर कर रहा है इस पर्टिकुलर पीरियड में। और चौथे पॉइंट यहां पे इन्होंने बोला है कि लेबर शॉर्टेज की बात कही है कि मैक्सिमम लोग ऑब्वियसली अब माइग्रेंट वर्कर्स तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो लेबर का शॉर्टेज होगा। अब इस शॉर्टेज से क्या होगा, तो इस शॉर्टेज से भी फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। तो मैंने आपको पॉइंट्स बता दिया किस तरह से सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन एक तरह से फैला हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखिएगा तो इन सब चीजों से निकलने का वही तरीका है, तो वही है कि अगर जो भी इंडस्ट्रीज और फर्म्स हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में ही मतलब अपने नेबरहुड में ही अगर वहां से सामान को उठाते हैं, वहां से जो भी मटेरियल को उठाते हैं राधर देन कहीं और से, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन वाला इशू खत्म हो जाएगा। दूसरा आप देखोगे तो उनको रॉ मटेरियल्स मिल जाएगा। और तीसरा जो अगर फंडिंग की बात है तो फंडिंग के लिए आप सरकार वो सपोर्ट करने कर सकती है इजीली। तो ये एक चीज हो गई, तीन पॉइंट्स हो गए। और रही बात लेबर की, तो ऑब्वियसली वो मतलब अपने आसपास के एरिया से ही लेबर को भी उठा सकते हैं, तो उनका जो सप्लाई साइड का जो इशू है वो एक तरह से टैकल हो सकता है अगर ये स्टेप लिया जाए। तो इसी चीज को यहां पे इन्होंने डिस्कस किया है। और यहां पे इन्होंने फिर एंड में बताया है कि क्यों ये जो स्टिमुलस पैकेज है या क्यों नहीं काम करेगा। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि चूंकि ये डिमांड बेस्ड है, अगर डिमांड फोकस्ड है तो इस कारण से नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप देखिएगा कि जो मार्केट एडजस्टमेंट प्रोसेसेस एक तरह से बताया जा रहा है, तो इससे होगा क्या कि ये उल्टा डिसरप्ट करेगा जो गवर्नमेंट का स्टिमुलस पैकेजेस है उसको। अब आगे यहां पे बोल रहे हैं ये कि ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है ये काफी समय तक के लिए और लास्ट करेगा, जैसे हम जानते हैं कि पैंडेमिक भी काफी समय तक के लिए लास्ट करने वाला है। और यहां पे वही बताया है एंड में कि पाथ टू रिकवरी क्या रहने वाला है। तो पाथ टू रिकवरी रहेगा अगर हम लोग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट डाउन करते हैं, साथ के साथ प्राइस कंट्रोल्स को रिमूव करते हैं, और उसके बाद ट्रेड को अगर ओपन अप करते हैं, तो इन सारे स्टेप्स को अगर लिया जाए तब हमारा जो इकोनॉमी है वो एक तरह से रिकवरी पाथ पे वापस आ जाएगा। तो यही है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में। और मैंने यह हमारा आखिरी एडिटोरियल होगा, मैंने क्योंकि देखा है इंडियन एक्सप्रेस का जो न्यूज़पेपर है तो उसमें मुझे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज दिखे नहीं। दो जो छोटू एडिटोरियल्स थे तो उसमें इंफॉर्मेशन मुझे कोई ज्यादा खास नहीं दिखी, और दो बड़े एडिटोरियल में उन्होंने क्या ही डिस्कस किया, मतलब वो एक तरह से वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो सारी चीजें, तो इस कारण से मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो चलिए अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो आई होप आपको आज का एनालिसिस जो है वो अच्छा लगा होगा। करीब 15 से 20 मिनट में यह एडिटोरियल अपलोड हो जाएगा, और उसके बाद फाइनल प्रोसेसिंग वगैरह होने के बाद तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे के पहले तक यह जो पर्टिकुलर वीडियो है लाइव हो जाए। तो अब वीडियोस को देखते रहिएगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करिएगा, कमेंट सेक्शन में भी रिस्पेक्टेबल कमेंट कीजिए एक दूसरे के साथ, बात करेंगे भी तो, और कोशिश करिए कि पढ़ाई पे अब ज्यादा फोकस रहे रादर देन किसी और चीज़ों पे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो न्यूज़ एनालिसिस वाला वीडियो है उसको मैं डालता हूँ, फिर उसमें हम लोग मिलते हैं। सो स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।